हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं मार्केट। तो मैं अपनी भाभी के साथ मार्केट जा रही हूँ क्योंकि मुझे कल घर जाना है, मतलब अपने ससुराल जाना है। तो थोड़ी सी शॉपिंग करने की सोच रही हूँ। तो चलते हैं मार्केट और देखते हैं क्या लेते हैं। गाइस, ये है भाभी मेरी, हाय करो। हाय। सो गाइस, ये प्रेगनेंट है तो इस वजह से थोड़ा सा इनका पेट दिख रहा है। तो चलते मार्केट। सो गाइस, हम चल रहे थे मार्केट, तो आज देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें मार्केट में। तो और आपसे बात करके अच्छा लगता है। काफ़ी व्लॉग मैंने मतलब बनाए नहीं है, तो मैं मतलब थोड़ा सा बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे बनाने का। सो थोड़ा सा मतलब अपसेट सी भी हो जाती हूँ क्योंकि मेरे को मतलब अभी तक मतलब कोई भी सक्सेस नहीं मिल रही है इसमें। तो ये प्यांशी के लिए मुझे वो ख़रीदनी थी निकर्स, उसकी तो वो निकर ले ली थी मैंने। तो मैं आ गई थी चप्पलों के शोरूम में, तो मैं देख रही थी तो मुझे वहाँ भी कोई चप्पल नहीं मिली थी, शायद मैंने ले ली थी। हाँ, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मेरी मम्मा ने मुझे क्या क्या दिया है। तो उसके बाद हम खा रहे थे मोमोज। तो आओ चलते हैं, मोमोज खाते हैं। और ये देखना गाइस, मेन बाज़ार के और ये छेटूटी चौक है ना, जो वहाँ के मोमोज इतने टेस्टी होते हैं यहाँ के, एक बार ट्राई ज़रूर करना गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं सच में और मज़ा आ जाता है। बस क्या बताऊँ मैं आपको। सो मैं ये कर रहे थे मोमोज, इतने भाभी कहीं गई थी, बता के नहीं गई, बट बाद में मुझे पता चला कि वो अपना मतलब उन्हें मतलब ऐसे चाइनीज़ फूड वगैरह के साथ या कुछ किसी चीज़ के साथ कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, तो वही लेने वो गई थी। तो बाद में दिखाया था उन्होंने मुझे कि मैंने कहा ओह ये लेने गए हो, तो कह रहे हाँ मुझे तो मतलब बहुत मन कर रहा था पीने का इसके साथ। मैंने कहा अच्छा। सो चटनी देखो तीन तरीके की देते हैं, एक तो मेयोनीज, एक चटनी ग्रीन भी होती है इनके साथ, और मसाला डाल के देते हैं मोमोज में। तो हमने ले लिया है और प्यांशी को लग रहे थे गरम, तो कोल्ड ड्रिंक आ गई है तो भाभी पी रही है। तो उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है इन्हें। तो उसके बाद पी रही थी मैं, तो मज़ा ही कुछ आ गया था यार, गरम गरम मोमोज के साथ ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ट्राई करके देखना गाइस, बहुत टेस्टी लगते हैं। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ वीडियो देखते हुए अभी, तो भी मेरे मुंह में पानी आ रहे हैं। तो गाइस, आज हम बहुत शॉपिंग करने वाले हैं, तो देखते हैं कुछ क्या मिलता है यहाँ पे। सो ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं, मतलब थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें करनी है, वो लोग मैं बना नहीं पाई थी उसका, जो बाकी की चीज़ें मैंने ली थी। उसके बाद थोड़ा सा घूमने के बाद हमने प्यांशी को दिलवाई उसकी मामी ने कुल्फी। तो ये देखो गाइस, ये है कुल्फी, तो नोटी है ये बहुत ज़्यादा, जानबूझ के जैसे टीवी में दिखाते हैं ना उस तरीके से करती है ये, देखो। तो ये मैं खा रही थी, आइसक्रीम, बहुत मज़ा आ रहा था। तो गाइस, हम सूट की दुकान पे जा रहे थे, तो मेन बाज़ार में मुझे कुछ खास तो नहीं लगे सूट, देखे भी थे मैंने, बेकार लग रहा था ये, कुछ ये 900 का सूट था, 900 बहुत होते हैं यार। बट ऐसा कुछ नहीं है, जब खरीदने वो चीज़ पसंद आता है तो 900 भी नहीं देखे जाते। बट चल रहे थे हम, चलो तो आप प्यांशी के लिए वो ख़रीदते हैं कुछ बैलिया टाइप। तो गाइस, ये ट्राई कर रही थी बैलिया, तो कुछ मतलब पसंद नहीं आ रही थी, कुछ मतलब रेट सही नहीं लग रहे थे, तो इस वजह से हम काफ़ी जगह घूमे दुकान के लिए, बट हमें बाद में पसंद आई थी ये वाली, हमने ट्राई की थी, बट इसका ना जो मतलब कलर था ना वो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा था। तो उसके बाद हम आ गए थे जूस वाले की दुकान पे शेक पीने के लिए। तो मैंने ऑर्डर किया था स्ट्रॉबेरी शेक और भाभी ने किया था बनाना शेक, तो सबसे पहले आया था भाभी का बनाना शेक और उसके बाद प्रियांशी का था मैंगो शेक,
और मेरा था स्ट्रॉबेरी शेक। सबसे पहला आया था भाभी का बनाना शेक, और उसके बाद प्रियांशी का मैंगो शेक भी तैयार था। सो बहुत टेस्टी लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, पीने में मज़ा आ गया था। तो इसके बाद मैंगो मैंने भी ट्राई किया था, इसका शेक पी के देखा था तो बहुत टेस्टी लग रहा था। तो उसके बाद मैंने प्रियांशी को दे दिया था। तो प्रियांशी की सिटिंग अरेंजमेंट की इसकी मामी ने, एक टेबल लग रहा था वहीं पर, उस पर बिठाया फिर उसे पकड़ाया। सो उसके बाद ये आराम से बैठ के शेक पी रही थी। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग वीडियो पूरा देख लिया करो, क्योंकि आपके वीडियो देखने से ना मुझे सपोर्ट मिलता है बहुत। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, एक लाइक का बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। सो मैं शेक पी रही थी, सो बहुत टेस्टी था गाइस, मेरे तो मुंह में पाइप ही नहीं आ रहा था। तो उसके बाद हम चलेंगे, मैं आपको अपना शेक दिखाती हूँ, एक मिनट को मैं एक्साइट करके दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, काफ़ी अच्छा मतलब बना रखा था इन्होंने। साथ ही सामने इसके साथ ही मोमोज़ के एक लड़का था, मतलब मोमोज़ लगा रखे थे उसने, बट मोमोज़ हम खा चुके थे इसलिए हमने मोमोज़ नहीं खाए थे। तो मैंने अपना शेयर किया प्रियांशी को शेक, और उसने मुझे शेक शेयर किया, फिर हम शेक पी के हम निकल गए थे घर के लिए। तो पहले तो ये पिया ही नहीं जा रहा था, प्रियांशी ने बेकार में बनवा लिया और उसने मतलब पूरा ग्लास, और इससे पिया ही नहीं गया। तो मैंने पिया थोड़ा सा, इसकी मामी ने पिया, तब जाके ये ख़त्म हुआ। तो फिर हम निकल गए थे घर के लिए। सो हम जा रहे हैं घर, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में घर में अपने। तो अभी के लिए मैं अभी वीडियो बंद कर रही हूँ। तो गाइस आ गए थे हम घर पे। तो गाइस हमने ना मतलब बहुत लेट हो गए थे, हम 9:30 बजे आए थे घर पे। तो मम्मी ने तोरी बना रखी थी, बट मेरा तोरी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो भाभी ने स्विगी से बिरयानी ऑर्डर की थी, बिरयानी पनीर बिरयानी कुछ पता नहीं क्या बिरयानी थी, तो वही मंगाई थी। तो बस पेट चम्मच आ चुकी थी, और प्रियांशी खोलने की कोशिश कर रही थी बट उससे नहीं खुली, फिर उसने मामी को दे दी अपने, और फिर इसकी मामी करने लगी सर्व। तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ देखें, और ये दिखा दूँ, अब बिरयानी स्विगी से मंगाई थी हमने, स्विगी से, तो वेज बिरयानी है ये, विद रायता। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा, टेस्टी लगा। तो ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि हम बहुत सारा चीज़ें खा के आ गए थे बाहर, मोमोज आइसक्रीम गोलगप्पे की तो मैंने बनाए नहीं वीडियो, तो हमने गोलगप्पे भी खाए थे। और फिर भाभी ने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने इसको शेयर करा थोड़ा थोड़ा, मम्मी मैं और भाभी और प्रियांशी हम सब ने खाया थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा सा स्वीटी को भी दिया था, क्योंकि स्वीटी तो मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब चलते हैं, अब प्रियांशी के लिए पहले डाल देगी इसकी मामी, फिर प्रियांशी बताएगी कि इसको कैसा लग रहा। तो ये देखो गाइस कितने बड़े बड़े पीस पनीर के हैं इसमें, काफ़ी टेस्टी थी ये बिरयानी, काफ़ी अच्छी थी सच में, मज़ा आ गया था खाने में। तो देखते हैं प्रियांशी को ये बिरयानी कैसी लगती है। ओए होए, प्रियांशी को तो बहुत अच्छी लगी भाई। चलो भाई हम ट्राई करते हैं, और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक का बटन भी दबा दे। और इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बट उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि हम आम भी लाए थे, तो मम्मी सबको आम दे रही थी तो मज़ा आ गया था। तो मम्मी पहले मामी इसकी मामी धोने के लिए गई थी, यानी कि मेरी भाभी आम धो कर ला रही थी, तो स्वीटी भी देख रही थी क्योंकि स्वीटी को भी बहुत पसंद है आम। तो उसके बाद आम मम्मी काट रही थी, काटने के बाद हमने खाए, मज़े करे बहुत ज़्यादा। और इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ, और आगे की वीडियो में मिलेंगे भगवान ने चाहा तो, और भगवान आप सबको खुश रखे, और जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में भी बरकत आए, और जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे
वो हमेशा खुश रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।